करण कैरम ग्रीन स्टोक हुए माला माल। देखे इस नीलामी में बिकने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची, बताएंगे पूरी वीडियो की जानकारी। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सनराइजर हैदराबाद ने सबको चौंकाते हुए इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर पैसे की बारिश कर दी। उन्होंने हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ब्रूक का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए था। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए छोटे नीलामी की शुरुआत कोच में 23 दिसंबर को हुई। इंग्लैंड के सैम करन ने नीलामी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले केएल राहुल 17 करोड़ रुपए के बिके थे। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। उन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट ने पिछले साल ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं नीलामी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैम करन इससे पहले पंजाब किंग की ओर से खेल चुके हैं। वह चेन्नई सुपर किंग के सदस्य भी रहे हैं। सैम करन के बाद कैरम ग्रीन पर जमकर बोली लगी। ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ग्रीन पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। मुंबई ने उन्हें कैरन पोलार्ड की जगह भरने के लिए टीम में शामिल किया है। ग्रीन के बाद बेन स्टोक पर पैसों की बारिश हुई। उन्हें चेन्नई सुपर किंग ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। स्टोक इससे पहले लखनऊ सुपर जॉइंट्स में महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके हैं। स्टोक का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उनके लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स और चेन्नई के बीच जमकर बोली लगी। अंत में चेन्नई ने बाजी मार ली। सनराइजर की टीम सिर्फ इतने में ही नहीं रुकी, उन्हें मयंक अग्रवाल के लिए भी बड़ी बोली लगाई। मयंक का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। सनराइजर ने उन्हें 8 गुना ज्यादा कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया। मयंक को सनराइजर हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। वह टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।